अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने मैदा लिया है 240 ग्राम, कैस्टर शुगर 315 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। इन सब को छान लेंगे। ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल 155 ग्राम, कॉफ़ी 1 टेबलस्पून, दूध 200 मिलीलीटर और 3 अदर अंडे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 100 मिलीलीटर गर्म पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने केक का टिन ले लिया है, इसको बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह से इसको पूरे टिन में ला देंगे और बाकी बचा हुआ मैदा निकाल देंगे। अब इसमें केक का मिक्सचर डाल देंगे। केक टिन में हमने सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसको ओवन में 25 से 30 मिनट तक बेक कर लेंगे। ओवन को हमने 15 मिनट पहले 160 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से केक को बेक करें। हर किसी का ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, आप उस हिसाब से केक को बेक कर लें। अब हम इसको ओवन में बेक करने रख देंगे। केक को हमने ओवन से निकाल लिया है। केक बेक करते वक्त केक पर ज़्यादा कलर आ रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको एलुमिनियम से कवर कर दिया था। केक को किसी टूथपिक या छुरी से इस तरह चेक कर लें, अगर साफ़ निकले तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। अगर गीला हो तो आप केक को मज़ीद बेक कर लें। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब चॉकलेट गनाश बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 300 ग्राम चॉकलेट ली है और 300 ग्राम ही फ्रेश क्रीम लिया, जिसको व्हिप क्रीम कहा जाता है। एक पैन में चॉकलेट और व्हिप क्रीम डाल देंगे। हल्की आंच पर चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको किसी बर्तन या बॉल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब चॉकलेट गनाश अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो उसको फुल स्पीड पर बीटर से बीट कर लेंगे। चॉकलेट गनाश को हमने बीट कर लिया है। अब हम केक पर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। केक पर फ्रॉस्टिंग करने से पहले केक की कटिंग कर लेंगे। केक का ये हिस्सा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको ट्रैफल में इस्तेमाल कर सकते हैं। केक के हमने 2 हिस्से कर दिए हैं, आप इसके 3 हिस्से भी कर सकते हैं। अब इस पर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। अब हम केक का दूसरा हिस्सा रखेंगे, इस बार भी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और पूरे केक को चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ कवर कर लेंगे। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से हमने केक को कवर कर दिया है। अब हम इसी स्पैचुलर से इस पर डिज़ाइन बना लेंगे।
केक पर हमने स्पैचुलर से डिज़ाइन बना दिए हैं। अब हम इस पर ग्रेट की हुई चॉकलेट लगाएंगे। चॉकलेट को ग्रेट करने के लिए हमने चॉकलेट ली है, जिसके साथ सब्जियों को छीला जाता है उससे चॉकलेट को ग्रेट कर लेंगे। चॉकलेट को हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसको केक पर डाल देंगे। और केक की साइडों पर भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। केक को हमने ग्रेट की हुई चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से केक को डेकोरेट कर लें। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मॉइस्ट चॉकलेट केक कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।